वेलकम टू होम बीएचके प्रॉपर्टीज। 1028 स्क्वायर फीट का 3 बीएचके 1,07,00,000 रुपए में, 983 स्क्वायर फीट का 3 बीएचके 1,02,00,000 रुपए में। ये आज जो हम प्रोजेक्ट देखने आए हैं ये एक्सक्लूसिव 2, 3 और 4 बीएचके अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है। इसमें 2 बीएचके भी अवेलेबल है जिसका कारपेट है 702 स्क्वायर फीट और 748 स्क्वायर फीट। अभी इनकी जो प्राइसेस है वो 73 लाख एंड 77 लाख है। इसमें 4 बीएचके भी है जिसका कारपेट है 1309 और इसकी लोकेशन, इसका लोकेशन है भुंकर चौक वाकड़ में, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस इन द कमिंग टाइम। एंड बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है जिसमें 6 एकड़ में आपको यहाँ पे टोटल 6 टॉवर्स आ रहे हैं एंड ऑल आर टॉल टॉवर्स। इसके अलावा आपको यहाँ से सारे स्कूल्स कॉलेजेस बहुत ही नजदीक है, इंदिरा कॉलेज, जेएसपीएम कॉलेज, ये सारी कॉलेजेस आपको यहाँ से, फिनिक्स मार्केट सिटी जो वाकड़ का आ रहा है वो 1 किलोमीटर के अंदर आता है। और तो और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अगर आप आईटी में काम करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड इओन आईटी पार्क यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं ये 3 बीएचके फ्लैट। 1028 स्क्वायर फीट का ये 3 बीएचके फ्लैट, एंटर करते ही आपको यहाँ पे इसी तरीके से एक डोर फ्रेम मिल रही है, यूरोपा के बहुत ही प्रीमियम फिटिंग वाले लॉक्स हैं यहाँ पे। एक चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि अंदर आते ही ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे लॉबी स्पेस दी गई है और एक बेडरूम को इधर ही दे दिया। तो आप इस बेडरूम को इधर गेस्ट बेडरूम बनाइए या फिर सेकेंड मास्टर बेडरूम भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आपकी फैमिली 6 लोगों की है तो आप डेफिनेटली इसको एक दूसरा मास्टर बेडरूम भी बना सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मुझे स्पेसिफाई करनी है वो है ये बे विंडो। यहाँ पे टॉल टॉवर्स है और आप नहीं चाहते कि कहीं जगह में कमी पड़े तो आप यहाँ पे बिना चेयर लगाए भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और राइट साइड में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी एक टेबल लगा हुआ है, स्टडी टेबल और एक थोड़े से कबर्ड्स है, आप उसको प्रॉपर वार्डरोब भी बना दोगे तो भी बहुत ही अच्छी स्पेस है। यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे वॉशरूम है जहाँ पे आपको ग्रेनाइट के आपको यहाँ पे डोर फ्रेम मिलती है। अंदर आते ही नीचे ग्रे कलर की एंटी स्किड टाइल्स है, बाकी पूरे ऊपर के लेवल तक आपको यहाँ पे टाइलिंग मिल रही है। ग्रोहे के बहुत ही प्रीमियम फिटिंग्स है, उसी के साथ साथ किंगवेयर की सैनिटरी फिटिंग्स है। नीचे मार्बल टॉप भी है ताकि आप नीचे कंपार्टमेंट्स बना सको, बहुत ही अच्छी तरीके से उस स्पेस को यूटिलाइज कर सको। अभी ये जो स्पेस है वो इस तरफ खत्म हो जाती है और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं हमारे लिविंग एरिया में। तो अगर आप एक 2 बीएचके ले रहे हो तो आपका जो घर है वो इधर से स्टार्ट होगा। बहुत ही बड़ा यहाँ पे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे एक सोफा ऑलरेडी लगा हुआ है, एक सोफा आप यहाँ पे लगा सकते हो और इस चेयर को इस तरफ ला सकते हो। दिस इज बिकॉज आपको ये जगह का अंदाजा देना चाहते हैं तो इसीलिए ऐसे स्पेस दी गई है। इसके बाद आपको मिलती है फुल फ्रेम विंडो डोर, तो ये आपकी पूरी बालकनी जो है पूरी ओपन होती है। नीचे आपको मिल जाती है वुडन फिनिश में बहुत ही प्रीमियम टाइलिंग और ऊपर से ये है बालकनी पूरी कवर्ड। ये जो रेलिंग है ये भी बहुत ही टफ है क्योंकि ये बहुत ही हाई स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही काम आएगी। नीचे आपको देखेंगे क्रीम कलर में बहुत ही प्रीमियम 2x2 की टाइल्स लगा दी गई है एंड इस एरिया में आएगा आपका डाइनिंग एरिया। आप यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लगा सकते हो और इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो। ये घर आपको काफी बड़ा लगेगा एंड ये जो कारपेट है इसके हिसाब से ये घर काफी बड़ा दिखता भी है। रीजन है इसकी ये थोड़ा सा ओपन है और यहाँ से आपका किचन स्टार्ट हो जाता है तो ये एल शेप का बहुत ही प्रीमियम आपको किचन मिलता है विद ब्लैक ग्रेनाइट। यहाँ पे आपको फ्रिज की भी स्टोरेज दी गई है एंड ऑन दिस साइड आपको यहाँ पे टाइल ड्रॉप दिया गया ताकि आप इसको वेट एरिया बना सको। और ये आपका सिंक होगा नियरली एक आप बहुत ही प्रीमियम है एंड इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का भी प्रोविजन दिया गया। तो यहाँ पे टाइल ड्रॉप होने की वजह से जो वेट एरिया है आपका एक तरफ होगा। ये इंटीरियर का पार्ट है तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन अंदर चली गई है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर या तो पूजा घर बन सकता है। बहुत सारी जगह पे हमें स्पेसिफिकली स्पेस नहीं मिलती है बट यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंटली स्पेस को दिया गया है। अभी आगे आते हुए आपको इस तरफ दिख रहा होगा कि कोई स्पेस वेस्टेज नहीं है। अगेन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बट स्टिल नो स्पेस वेस्टेज। बाहर दे दिया है एक हिंडवेयर का और ग्रोहे का प्रीमियम फिटिंग्स वाला सिंक। अंदर आते ही थोड़ा सा ग्रे एंड अगेन विद सम आर्ट फिनिश टाइल्स आपको यहाँ पे मिलती है विद अगेन द फिटिंग्स ऑफ प्रीमियम ग्रोहे। यहाँ पे भी आपको जो डोर फ्रेम है वो ग्रेनाइट की मिल रही है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ जो है हमारा किड्स बेडरूम। दिस इज द किड्स बेडरूम। आपको ऐसा सेम बेडरूम मिलने वाला है इन 983 एंड 1028 दोनों में। यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करने वाली ये है कि यहाँ पे विंडो है पूरी,
तो आपको वेंटिलेशन और लाइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इसी के साथ साथ आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए एक ग्रिल अंदर से दी गई है ताकि वो ऊपर तक ना चढ़ पाए, एंड जो ऊपर वाले विंडोज है वो ही सिर्फ ओपन होंगे, नीचे वाले विंडोज फिक्स रहेंगे, तो उसके लिए आपको सेफ भी फील होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं इसको सेकंड मास्टर बेडरूम बोलता हूँ, आप इसको एक मास्टर बेडरूम और गेस्ट रूम भी बोल सकते हो। सो दिस इज द सेकंड मास्टर बेडरूम एंड दिस इज द स्पेस आई वांटेड टू शो यू, बिकॉज यहाँ पे बेड नहीं लगा है तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आपकी रूम की साइज कितनी हो सकती है। सिर्फ 2.5 फीट का यहाँ पे वार्डरोब है। बेड आने के बाद भी आपको बहुत ही अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है। दो चीजें और मुझे पॉइंट आउट करनी, वो ये है कि जितने भी डोर फ्रेम है सबके डोर्स कर्व्ड है, सारे डोर्स हमें कर्व्ड मिल रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम में आते ही अगेन आपको हैंडवेयर की बहुत ही प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मार्बल टॉप है क्योंकि मास्टर वॉशरूम है तो आप इसको ज्यादा यूटिलाइज करोगे। यहाँ पे है आपका सिंक एंड थोड़ा सा बड़ा शॉवर एरिया, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। ग्रोहे की फिटिंग्स है, ये जो शॉवर है ये भी ग्रोहे का है, बहुत ही प्रीमियम लॉक फिटिंग्स है। ये सब कुछ हमें इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है और इसके साथ साथ 3 BHK में, 2 BHK में सब नए एक और बालकनी। तो ये जो प्रिविलेज है सेकंड बालकनी वाला, ये बहुत कम जगह पे है। 2 BHK में भी आपको ये सेम सेकंड बालकनी मिलती है जो 3 BHK में मिल रही है। इसका साइज बहुत ही अच्छा है और स्क्वायर में है तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। 2 चेयर लगा के, एक टेबल लगा के आराम से आप यहाँ पे चाय पी सकते हो, आप अपना समय गुजार सकते हो, और क्या चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये शानदार घर, ये आप हमको कमेंट से बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमको पता चले कि आपको ये फ्लैट पसंद आया और YouTube को पता चले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस बहुत सारे लेके आते हैं और पता नहीं आपका कौन सा यहाँ में इसमें आपको कौन सा पसंद आ जाए और वो आपका घर हो जाए। और ये शेयर करिए फैमिली के साथ जिनको घर लेना है और उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि वी आर द बेस्ट फर्म इन द सिटी राइट नाउ हु हेल्प्स पीपल आउट। एंड नीचे हम लोगों ने नंबर्स दिए जहां पे आप कॉल करके हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।